अंडरमाइनिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए। What you have done, Lok Sabha Speaker inviting Prime Minister of India to inaugurate, Lok Sabha Secretary General giving invitation card to the members of the Rajya Sabha also. You see that President given summons to the Lok Sabha member for convening Parliament. President used to prorogue the Parliament session. President has to give assent to the bills which was passed by the parliament. What does it mean? The president is the integral part of the parliament. Of course, president is the head of the head of the nation. Along with the head of the nation, the president is the integral part of the parliament of India also. Now we are very much proud of. You people are everybody telling, every time telling that we are proud of a women tribal president. The way in which you undermine the president of India, the first woman tribal president of India, where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with this sentiments, boycotting the inaugural function. पिछले कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है इस भावना की पुष्टि होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी च्वाइस है, कहाँ सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद 25 बरस बाद 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों कहूं अधिकांश दलों ने, इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है तो बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है, लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे।
प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करेंगे। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हाल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं।